लड़कियों के लिए रेस्पेक्ट, लड़कियों के लिए दिल से सलूक। कितना खूबसूरत लग रहा है तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आप ये चेकआउट कर सकते हो। ये रहा जी मेरी बीस्ट, एंड बीस्ट के ऊपर है गुड मॉर्निंग चाय। तो पहले चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद अपना जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज व्लॉग है वो रहने वाला है फैमिली व्लॉग, काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब भी मैं फैमिली व्लॉग शूट करता हूँ उस पर आप काफ़ी ज़्यादा प्यार बरसाते हो, एंड मुझे उम्मीद भी है आप इस वाले व्लॉग पर भी प्यार बरसाओगे। तो चलो चाय वगैरह फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद अपना जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग एंड लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पोर्शन को मैंने पानी दे दिया, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ये गंड कुल से अमिट, ये आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ये प्लांट है ये बिल्कुल टूट चुके हैं, ये सीधे ही नहीं हो रहे यार। बट क्या करें, अभी अभी इस वाले पोर्शन को पानी देना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जल चुका है, ये आप देख सकते हो। और इसको एक्स्ट्रा घास भी है, ये भी हमें बाहर निकालना है। तो लेकिन पहले हम पानी डालेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा घास वगैरह ये हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक फ्लावर ट्री भी है, ये भी सूख चुका है, ये आप देख सकते हो। तो बस इसमें एक ही ब्रांच की ग्रोथ हो गई है, बाकी जो ब्रांच वगैरह हैं ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं। कि अगर हम गमलों की बात करेंगे तो गमले में जितने भी फ्लावर हैं माशाल्लाह उनकी ग्रोथ हो चुकी है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी भी ग्रोथ हुई है, इसकी भी ग्रोथ हुई है, इसकी भी एंड सब की ग्रोथ हो चुकी है माशाल्लाह। देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फाइनली गाइस हमारी चाय भी आ चुकी है, एंड बीस्ट चेक करो, बीस्ट का लुक माशाल्लाह माशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हम इसको राइड भी करेंगे, तो देखते हैं अगर टाइम मिला आज हम बीस्ट को भी राइड करेंगे। घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और किचन गार्डन का भी काम हो चुका है, एंड कुछ कपड़े थे जिनको मुझे आयरन वगैरह करना था वो भी मैंने कर लिए, जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। एंड गर्ल्स के लिए रेस्पेक्ट, क्योंकि जब मैं आज घर के सारे काम करता हूँ खुद, ठीक है, मुझे पता है एंड एक लड़की कितना काम करते हैं घर के अंदर। हमें लगता है कि बस लड़कियों कोई काम नहीं होता है, ये ऐसे ऐसे खाना बनाना वगैरह एंड ऑल दैट थिंग्स, लेकिन बट ये सबसे टफेस्ट चीज़ है, ये सबसे बड़ा काम है, घर संभालना, घर के सारे काम करना सबसे टफेस्ट थिंग है। ठीक है, हम लड़कों को लगता है कि हमारे बहनें काम नहीं करते हैं, घर के अंदर होते हैं, ठीक है, तो खाना बनाना इट्स ए इजी थिंग, बट ब्रो इट इज नॉट ए इजी थिंग, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, वो लड़कियों के लिए रेस्पेक्ट, लड़कियों के लिए दिल से सलूक। से पहले हम लड़कों को ये सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार हमारी जो बहनें होते हैं वो दूसरे घर में चले जाते हैं, ठीक है, इसीलिए लड़कों को ये काम भी आना चाहिए, तो आप भी घर में ये काम किया करो। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला सबकी बहनों को आबाद करे, ठीक है, खुश रखे और आपको भी खुश रखे। तो शर्माओ मत, घर के काम किया करो, ठीक है, काफी ज्यादा मजा आता है और दिल को सुकून भी मिलता है। तो फटाफट घर से निकलते हैं और नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां आके फिर खाना खाएंगे। सो लेट्स गो। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो चुकी है, तो अभी हम खाएंगे खाना, बट सब्जी कुछ खास नहीं है, तो मन कर रहे हैं आमलेट खाने का। अंडे उनको मैंने फोड़ दिया, अभी हमको मसाला वगैरह डालेंगे तो और आमलेट करेंगे अच्छा वाला, तो फिर हम इंशाल्लाह रहमान खाना खाएंगे। ये रहा जी।